किसान हिसार में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए, आज जो 16 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें निर्दोषों के सिर फोड़े गए थे, हड्डियां तोड़ी गई थी, माताओं बहनों पर लाठियां चलाई गई थी, उसके रोष स्वरूप आज इकट्ठे हुए। उसमें प्रशासन से बात होकर समझौता भी हो गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने धोखा किया। और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, आज हमारी मांग है कि जो हमने गुनाह किया उसका आपने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन जो आपने गुनाह किया उसका और मुकदमा दर्ज करिए। उन्होंने बट्टे मारे, किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी गाड़ियां तोड़ी, किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी और लेडीज़ प्रधान और एक लड़के को बुला के अलग से बात के लिए बुला के उन पर सैकड़ों लाठियाँ बरसाई, किसी कानून में नहीं है। औरत पे आदमियों ने लाठियाँ बरसाई, किसी कानून में नहीं है। हमने कोविड का प्रोटोकॉल तोड़ा तो मुख्यमंत्री ने भी कोविड का प्रोटोकॉल तोड़ा, हमारे भी मुकदमा दर्ज किया तो मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज करिए। मुख्यमंत्री जा चुका था, उसके एक घंटे के बाद पुलिस वहाँ जो ड्रामा कर रही है, क्यों? केवल हमें पीटने के लिए ड्रामा था। इन सभी चीज़ों का जवाब मांगने के लिए और मांग को लेकर के उन पर मुकदमा दर्ज हो, और जो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो खारिज हो, ये मांग को लेके आज हम इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारी मुख्य मांग है कि तीनों कानून वापस और MSP की गारंटी का कानून बने, ये सब मांगों को लेकर हम आज इकट्ठे हुए हैं और आज हिसार में कड़ा प्रदर्शन होगा। आपकी और जो पुलिस का समझौता भी हो गया था, उसका क्या रहा? समझौता हो गया था, लेकिन बाद में हमें अगले दिन पता चला कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो वो पुलिस ने हमारे से छुपाया, वो हमारे साथ धोखा किया, इसलिए वो समझौता टूट गया।